स्टूडेंट, स्वागत है आपका सफलरो.com में। तो आज मैं लेके आई हूँ एक ऐसी अपडेट जिसका 10th और 12th स्टूडेंट्स को तो बेसब्री से इंतजार था। जी हाँ, आपने सही समझा, सीबीएसई ने आपका एडमिट कार्ड रिलीज कर दिया है। तो ये इन्फॉर्मेशन एकदम पक्की है। आप सीबीएसई की वेबसाइट पे जाकर के देखें, आपके एडमिट कार्ड रिलीज हो चुके हैं और आप सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन ये बात अगर मैं करूँ, स्कूल्स जो है खुद ही एडमिट कार्ड डाउनलोड करके स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करते हैं, तो आप अपने स्कूल्स को कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, वो आपके एडमिट कार्ड आपको प्रोवाइड कर देंगे। लेकिन एडमिट कार्ड मिलने के बाद स्टूडेंट्स आपको तीन चीजों का रखना पड़ता है बहुत ज्यादा ख्याल। तो क्या है वो तीन चीजें? सबसे पहले जब आपके एडमिट कार्ड आपको हाथ में आता है, तो आप सबसे पहले उसमें सारी डिटेल्स को प्रॉपरली चेक कर लें कि क्या आपका नाम सही है, आपके फादर का नाम, आपके मदर का नाम और सब्जेक्ट जो भी आपने ऑप्ट किए हैं, वो सारी चीजें डिटेल्स करेक्ट है। उसके बाद आपको चेक करना होता है कि उसमें आपके प्रिंसिपल का सिग्नेचर है या नहीं। अगर प्रिंसिपल का सिग्नेचर है या नहीं है, जो भी, आप उसको चेक कर सकते हैं। और उसके बाद आपको अपने पेरेंट का सिग्नेचर लेना होता है और एंड देन आपको अपना सिग्नेचर करना होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, बिकॉज विदाउट सिग्नेचर एडमिट कार्ड अगर आप लेकर के एग्जामिनेशन सेंटर पे जाते हो तो आपको एंट्री नहीं मिलेगी। तो आप सबसे पहले अपने डिटेल्स को चेक कर लें, उसके बाद आप अपने प्रिंसिपल का सिग्नेचर को चेक करें एंड आफ्टर दैट आपको अपना सिग्नेचर और अपने पेरेंट का सिग्नेचर उसमें करवाना जरूरी होता है। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट टिप्स है कि आपको सिग्नेचर करवाने के बाद और फिर आप अपने एग्जामिनेशन के जो एडमिट कार्ड है उसको लेमिनेट करा के अपने सेफली कहीं रख लें। उसका चाहे तो आप जेरोक्स कर सकते हैं, बट विदाउट ओरिजिनल कॉपी आपको एंट्री नहीं मिलेगी। तो थर्ड इम्पोर्टेंट टिप इज, ये एडमिट कार्ड में जो टाइम गिवन रहता है, जो आपके एग्जामिनेशन टाइम शुरू होता है, वो 10:30 से शुरू होता है मोस्टली सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड में। तो आपके 10:30 से है तो 10:00 के बाद आपको एंट्री नहीं मिलेगी। तो आई विल एडवाइज कि आप 9:30 तक एग्जाम सेंटर पे पहुंच जाए ताकि आपको आराम से एंट्री मिल जाए और किसी भी तरीके की प्रॉब्लम का सामना आपको नहीं करना पड़े। आज के लिए बस इतना ही, ये इंपॉर्टेंट अपडेट है। अपने एडमिट कार्ड को जल्दी से कलेक्ट कर लें अपने स्कूल से जाकर के, ताकि आप आराम से बिल्कुल अपने पढ़ाई पे फोकस कर सकें। आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ नए वीडियो के साथ। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स।